अभी निकला होगा श्वेता को लाने के लिए, क्योंकि लेट हो जाएगा। फिर 5 बजे ही उसका छुट्टी होने वाला है। पूरा चोरी चला था आज भी लिखना चाहिए तेरा पूरा। तुम भी चिट्ठा लेके जाती जीएसटी में नहीं लिखती है तो। सो गाइस फाइनली हम लोग को पिज्जा आ चुके हैं और देख सकते हैं श्वेता पूरा अपना जुगाड़ करने लगी है, सॉस वगैरह का देख सकते हैं कहाँ पे निकाल रही है, और मस्त इसको खाते हैं और फिर कहीं चलना है। तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल इंस्पिरेंस। कैसे हैं आप सब? चैनल मैं भी अच्छा हूं। तो गाइस आज का सिंपल सा है गाइस कि आज मैं जा रहा हूं अपने श्वेता को लाने के लिए, जैसे कि मैं कल बताया था अपने ब्लॉग में कि आज जाऊंगा उसको ऑगी से लाने के लिए। और गाइस कल मैं जैसे ऑगी में करवा के आया था सब कुछ काम, उसके बाद भी गाइस ऑगी सही नहीं हुआ था। आज जाके पूरा टंकी अपने से मैं खोला हूँ और ले जाकर सब कुछ काम इसमें करवाया हूँ, मतलब बिल्डिंग वाला काम, मतलब पाइप जो होता है ओवरफ्लो वाला, वहाँ पर से कहीं पर से जॉइंट टूट गया तो उसका गाइस, तो उसको पूरा बेल्डिंग वगैरह कराया, उसके बाद फिर इसमें फिट किया हूँ। और जल्दी जल्दी खाना खा के अभी निकला हूँ गाइस श्वेता को लाने के लिए, क्योंकि लेट हो जाएगा। फिर 5 बजे ही उसका छुट्टी होने वाला है और अभी बज चुका है गाइस 4:30। तो अभी फटाफट चलते हैं, ज़्यादा दूर वैसे है नहीं, पास में ही है नौगतिया रोड में। तो अभी जाएंगे उसको वहाँ से रिसीव करेंगे, उसके बाद फिर उससे पूछेंगे कैसा गया एग्जाम वगैरह। और उसको पता नहीं है क्योंकि सुबह में भी हम बताए थे कि हो सके स्कूटी से ही आएंगे हम, क्योंकि सुबह में छोड़ने गए थे गाइस, तो बोल रहे स्कूटी से आएंगे। तो उसको पता होगा कि मैं स्कूटी से आऊँगा और मस्त अभी ऑगी को लेकर जा रहा हूँ गाइस। तो देखता हूँ क्या होने वाला आगे और काफ़ी मज़ा आएगा। और कल गाइस जैसे कि देखे ही जाके मनाए थे उसको, और आज जा रहा हूँ उसको लाने के लिए, एग्जाम चल रहा है उसका। एग्जाम के बाद सोच रहा हूँ गाइस कहीं राइड मारने के लिए श्वेता के साथ लॉन्ग, तो देखता हूँ वो वाला अभी प्लानिंग करूँगा। अभी फटाफट चलता हूँ पहले उसको लाने के लिए, और वैसे भी अभी पहुँच भी जाऊँगा अगर मैं जल्दी, तो फिर मेरे को खड़ा होना पड़ेगा। कल गाइस मैं अपने ऑगी का पीछे से नंबर प्लेट भी हटा चुका हूँ, क्योंकि अभी एग्जॉस्ट तो है नहीं तो मेरे को दिक्कत है नहीं, आगे नंबर प्लेट है या एनडी, तो पीछे से मैं हटा दिया हूँ। पीछे का लुक काफ़ी ख़तरनाक लग रहा है, मैं दिखाऊँगा अगर रुकूँगा तो। और अभी एग्जॉस्ट तो लगाऊंगा नहीं, क्योंकि भैया बोल रहे थे जो सर्विस किए थे कि काफ़ी लोड पड़ता है इंजन पे, इसलिए मैं एग्जॉस्ट वगैरह अब नहीं लगाने वाला हूँ गाइस, क्योंकि एग्जॉस्ट के चक्कर में पूरा रिएक्शन तो मिलता तगड़ा तगड़ा, बट इंजन पे ही लोड ज़्यादा पड़ जाता है, तो फिर इंजन पे लोड देके फ़ायदा नहीं है गाइस, क्योंकि अब इंजन ही सही नहीं रहेगा तो फिर रिएक्शन क्या ही चीज़ का ही। बाकी ऐसे ही आवाज़ ऑगी का बहुत मस्त है। तो गाइस कॉलेज के पास भी पहुंच चुके हैं और देख सकते हो कि 4:40 से टाइम हो रहा, मतलब 10 मिनट में पहुंच गया, 4:30 में घर से निकला था, मस्त भगाते हुए आया हूं। और अभी यहां पे करना पड़ेगा मेरे को 20 मिनट वेट, तो करता हूं वेट, उसके बाद आती है श्वेता तो फिर उसको लेके निकलूंगा यहां से। गाइस फाइनली छुट्टी हो चुका है और देख सकते सारे बच्चे लोग निकलने लगे हैं, और श्वेता भी मेरे को देखी कि नहीं देखी नहीं पता, मैं तो इशारा कर दिया हूँ, देख लिए तभी तो इधर आ रही है। और इसका कुछ कुछ चीज़ जो मेरे पास था, जैसे कि ये झोला में वो अपना लाई थी एडमिट कार्ड, बाकी उसका फ़ोन था मेरे पास, तो ये सब चीज़ देना भी है। और बाकी देख सकते हैं आ गई है श्वेता, पूछते हैं कैसा गया है एग्ज़ाम। सारे लोग तो ऐसे खुश होकर निकलते हैं जैसे कि लगता है बहुत अच्छा गया एग्ज़ाम। कहाँ हुआ कैसा गया एग्ज़ाम, इस तरह पहुँचा है कैसा गया, लिखी कि नहीं, ऐसे बोल रही हो लिखे। पूरा लॉन्ग चोरी चला था आगे वाले लेके चिट्टा बैठ गई थी, पूरा चोरी चला तो पूरा लिखी। हाँ लो डालो, कुछ नहीं बताई दोस्त, ये नहीं करती तुम तो कैसे बताएगी तुमको, ठीक करती तुमको सब चाची। चेहरा उतरा हुआ लगा तो हमको लगा कि एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, कहा कहीं कल तो पूरा खुशी खुशी आई थी कि पूरा लिख लिए, आई थी ना जी, आज भी लिखना चाहिए तेरा पूरा। तुम भी चिट्ठा लेके जाती हैं जीएसटी में नहीं लिखती है तो। तो अभी गाइस सारे लोग को जाने देते हैं, तब तक ये रख भी ले लो, पकड़ो फ़ोन पकड़ो, पैकेट में रखो तो इसको, चलो अब घुमाते हैं बाइक, घुमा लेते हैं बाइक फिर बैठना, ठीक है। काफ़ी भीड़ लग जाता है गाइस, चलो तो फाइनली बाइक भी घुमा ली और श्वेता को बैठा ली, हम निकलते हैं यहाँ से, निकल चुके हैं गाइस रोड पे। वैसे तो होगी मैं जो था नहीं कि आप लोगों को रिएक्शन दिखाते हैं, और काफ़ी ज़्यादा अंदर हल्ला हो रहा था तो मैं श्वेता से उस टाइम पूछा भी नहीं। अब बताओ कहाँ चलना जाएंगे, तो एग्ज़ाम अच्छा गया तो चलो पार्टी उटी दो, काची पार्टी दोगे? हाँ पिज्जा पिज्जा, कोई पार्टी हुआ कोई बढ़िया सा पार्टी दोगे, पेट भर जाए मेरा सही क्या? नहीं तो कहाँ चलोगे, डोमिनोज में ही जहाँ पिज्जा ट्रेन में खाई थी वहाँ, नहीं वहीं डोमिनोज का नहीं अच्छा लगता तुमको,
तो भाई अभी ये बोर है पिज्जा खाने जाने के लिए, तो अभी इसको लेके चलते हैं पिज्जा खाने के लिए। पकड़ के बैठ जाओ, थोड़ा भगाएंगे। तो थोड़ा भगाते हैं गाइस, क्योंकि काफ़ी दिन से श्वेता के साथ मैं भगाया नहीं हूँ, क्योंकि कहीं जा ही नहीं रहा था। और रांची में था मैं लेकर, तो सकते हैं गाइस। मैं सोचा था कि ट्रैफिक नहीं मिलेगा मेरे को, लेकिन फिर से मेरे को ट्रैफिक मिल चुका है। उस टाइम भी मिला था और अभी भी मिला है। और ये ट्रैफिक होता है बस ये टोटो वाले लोग के चक्कर में, क्योंकि साला जितना गया मैं आदमी नहीं है गाइस, उससे ज़्यादा तो टोटो चलता है। मतलब पर व्यक्ति पे पर टोटो निकल चुका है, अब ऐसा हो चुका है। देख सकते हैं कितना ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है। अभी इस ट्रैफिक से मेरे को निकलना पड़ेगा, उसके बाद फिर इसको मैं पिज्जा खिलाऊंगा, उसके बाद फिर इसको घर छोड़ूंगा। लेट हो जाएगा मेरे को लग रहा है, बहुत ज़्यादा है यार, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है गाइस, क्या बताऊँ। पता नहीं कहाँ तक ये लगा हुआ है ट्रैफिक। अभी जाने टाइम तो नहीं था मेरे को, इसलिए मैं फाड़ते हुए निकल गया था। आने टाइम इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिल रहा है, जाके थोड़ा ट्रैफिक फ्री हुआ गाइस, मैं निकला हूँ ट्रैफिक से, नहीं तो उतना देर से तो ट्रैफिक ही ट्रैफिक था। देख सकते हैं क्या ही करूँ गाइस, कैसे चलूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ता नहीं, कोई ना कोई मिल जाता है। ये सब इतने बच्चे दिख रहे, सारे लोग एग्जाम का छुट्टी हुआ है इसलिए ज़्यादा क्राउड है। फाइनली पहुँच तो चुके हैं जहाँ पे हमको आना था, बट यहाँ पे पार्किंग नहीं दिख रहा मेरे को एक भी। अब बाइक लगाए तो लगाएं कहाँ। तो गाइस फाइनली कैसे कैसे करके वो बाहर मैं बाइक को पार्क किया हूँ, एकदम जगह नहीं था बट फिर भी थोड़ा बहुत जगह मिला तो मैं कर दिया पार्क। बाकी अंदर आ चुका हूँ गाइस, और देख सकते हैं श्वेता क्या ऑर्डर किया अभी। कौन सा पिज्जा? तो कस के भी तो बोल सकती थी ना। अच्छा खाने के बाद आवाज़ निकलेगा। तो गाइस अभी आता है ऑर्डर, उसके बाद हाँ ये भी बात सही है, सुबह से भूखी है तो अभी आता है पिज्जा, उसके बाद इसको खिलाते हैं, उसके बाद इससे आवाज़ निकलवाते हैं गाइस। चिल्लाते चिल्लाते घर नाश्ते इसको लेकर चलेंगे। तो गाइस फाइनली हम लोग को पिज्जा आ चुके हैं, और देख सकते हैं श्वेता पूरा अपना जुगाड़ करने लगी है सॉस वगैरह का, देख सकते हैं कहाँ पे निकाल रही है, और मस्त इसको खाते हैं और फिर कहीं चलना है। सिर्फ खा के घर चल जाओगे? तो पहले इसको खिलाते हैं गाइस, उसके बाद फिर यहाँ से निकलते हैं खा के। तो गाइस फाइनली हम लोग मस्त खा पी के निकल चुके हैं, और इसको मैडम को देख सकते हैं, इससे कोई चीज़ ख़त्म नहीं होता जल्दी, अभी तक पीते पीते ही निकली है। और देख सकते हैं बाइक में कैसे कैसे करके लगा के गया था। लो पकड़ो, चलो पीते पीते चलो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको रख लो पैकेट में फ़ोन को। तो अब इसको लेके चलते हैं गाइस, और शाम भी देख सकते हो गया, आजकल तो शाम भी बहुत जल्दी ही हो जाता है, पता नहीं चलता। और देख सकते हैं गाइस ऑगी का, जैसे कि मैं बता रहा था लुक क्या तगड़ा लग रहा है पीछे से वाइट गार्ड हटाने के बाद। और अभी तो टेल टेडी भी इसमें नहीं लगाए हुए हैं, क्योंकि कुछ दिन तक ऐसे ही रखूँगा, जॉन्च तो है नहीं कि प्रॉब्लम होगा। और चलते हैं मस्त अभी इसको लेके श्वेता को घर छोड़ने के लिए। बैठ गई, रख ली सब कुछ, चलो तो चलते हैं गाइस मस्त इसको घर छोड़ने के लिए। और कहीं जाओगे? तो पेट भरा कि नहीं भरा? दूसरा इसमें पेट भर गया? हाँ। वाह, मैं तो खा के आया था गाइस घर से, जैसे कि मैं बताया भी था, निकला था जिस टाइम उसी टाइम, क्योंकि तुरंत बाइक को मैं खुद से सर्विस किया, मतलब सर्विस किया इसमें, बस टंकी वगैरह खोल के ले गया था और फिर से ला के इसमें फिट किया, और उसके बाद फिर जल्दी जल्दी खा के निकला था इसको लाने के लिए, क्योंकि लेट हो जाता और खा के आया था तो पेट में मेरे को खाने का मन नहीं था। मैं तो इसको ऐसे ही बोल दिया, यही बोल रही थी खाने के लिए, कल भी बोली थी, तो मैं सोचा खिला देता हूँ इसको, और काफ़ी दिन से पिज्जा उज्जा कर रही थी तो अभी खिला दिए मस्त इसको, और अब चलते हैं इसको घर छोड़ने के लिए गाइस। बाकी आज का ब्लॉग उतना कुछ लंबा हो नहीं पाया, कल इसका, कल तो तुम्हारा एग्ज़ाम नहीं होगा? नहीं, इसका कल एग्ज़ाम नहीं है गाइस, कब है फिर? मंडे को ना। तो अब गाइस मंडे को एग्ज़ाम है, तो अब देखते हैं मंडे को इसको एग्ज़ाम से मतलब लाने जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। जाऊंगा तो ऑगी से जाऊंगा, तो जरूर ब्लॉग बनाऊंगा। अगर बैटमैन से या ड्रैगन से जाऊंगा गाइस तो ब्लॉग नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि उस पर बनाने का मन नहीं करता ब्लॉग वगैरह। और ऑगी है कि मस्त रिएक्शन वगैरह थोड़ा बहुत दे देता है, और इसमें थोड़ा मस्त लगता है, और काफ़ी दिन से इसको यूज़ कर रहा हूँ, और अभी तो रेगुलर यूज़ कर रहा हूँ गाइस, मतलब डेली यूज में निकाल लिया हूँ इसको, डेली करता हूँ इसको, निकालता हूँ ब्लॉग वगैरह के लिए, तो हाथ अच्छा खासा इस पर बैठ चुका है, तो इस पर मस्त ब्लॉग बनाने में मन लगता है मेरे को। और काफ़ी लोग पूछते भी कौन सा बाइक है ये सब, तो तारीफ सुन के भी थोड़ा अच्छा लगता है गाइस, इसलिए। तो अभी चलते हैं इसको मस्त घर छोड़ने के लिए, और कल देखते हैं गाइस, संडे है तो कल कुछ प्लानिंग वगैरह करते हैं संडे राइड वगैरह के लिए, कारण भाई लोग को पूछेंगे अगर जाएंगे तो कहीं कल का प्लान रखेंगे कहीं मस्त जगह का, काफ़ी दिन से राइड वगैरह भी नहीं हुआ है। तो ये वीडियो यहीं तक था गाइस, ब्लॉग बहुत छोटा हो गया मेरे को पता, बट क्या करूँ, श्वेता को लाने जाना था, और आप लोग को भी मैं बोल दिया था कि ड्राइव लेकर जाऊँगा, तो सोचा आप लोग के लिए एक वीडियो बना देता हूँ। तो ब्लॉग अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस। देता काफी पर जिंदगी में बढ़ने के लिए कभी ना चाटी, तीन बटन से भाग।